वेलकम टू स्टडी कनेक्शन। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सीरीज़ 5 पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एरिना। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो क्या ये अ प्लेस फॉर हॉकी होते हैं, हॉकी के खेलने की जगह, या प्लेस फॉर इंडोर गेम्स होता है, या अ प्लेस फॉर रेसिंग होता है, या अ प्लेस फॉर रेसलिंग होता है? तो हमारा आंसर है अ प्लेस फॉर रेसलिंग। इसे हिंदी में हम अखाड़ा या रणभूमि भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला वर्ड है बूके। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट मैंने इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में शामिल किया है इसकी स्पेलिंग के कारण। कई बार इसे मिस स्पेल्ट वर्ड में पूछा जाता है, तो ये है बूके। फ्रेंड्स, मैं आपको स्पेलिंग याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ कि जो एक्चुअल प्रोनंसिएशन है और जो स्पेलिंग के हिसाब से जो प्रोनंसिएशन बनती है, उस दोनों को याद रखिए। जैसे इसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन है बूके, लेकिन अगर हम इसे स्पेलिंग की तरफ बनाएं तो ये क्या बनेगा, बाउ क्वेट। तो ये हुआ। वैसे ही जो बहुत सारे हार्ड वर्ड होते हैं उसको आप अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। और जब भी आपकी लाइफ में वो वर्ड यूज़ हुए तो आप ये याद रखिए कि मैंने उसे क्या बनाया था, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो बुके है ये, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ गुड्स, एन अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ कॉर्न्स, अ बंच ऑफ बर्ड। तो आंसर है, जैसा हम सब जानते हैं इसे, एन अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर्स, जिसे हिंदी में हम गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा भी कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है ए पीरी। ए पीरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर बीस आर कैप्ट, और अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, और वेयर पिग्स आर कैप्ट, और वेयर रैबिट्स आर कैप्ट। तो हमारा आंसर है वेयर बीस आर कैप्ट, जिसे बी हाउस या मधुमक्खियों के रहने की जगह कहते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एवीरी। एवीरी क्या होते हैं? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर कैप्ट, प्लेस वेयर चिल्ड्रंस आर कैप्ट, और अ प्लेस फॉर ओल्ड पीपल। तो हमारा आंसर है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। अगला वर्ड है वार्डरोब। ये क्या होते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं अ प्लेस फॉर गुड्स, अ प्लेस फॉर क्लॉथ्स, अ प्लेस फॉर शूज़, और अ प्लेस फॉर वॉच। तो हमारा आंसर है अ प्लेस फॉर क्लॉथ्स। कपड़े रखने की जगह को हम वार्डरोब कहते हैं, इसे अलमारी भी कहते हैं या वस्त्र भंडार भी कहते हैं। अगला वर्ड है ग्रैनरी। ग्रैनरी क्या होता है? जहाँ पर हम अपनी ट्रेजर्स रखते हैं, संपत्ति रखते हैं, या जहाँ पर लकड़ियाँ रखते हैं, या जहाँ पर हम अपने क्लॉथ्स रखते हैं, या जहाँ पर हम अन्न रखते हैं। तो आंसर है वेयर ग्रैन्स आर कैप्ट, जहाँ पर हम अपने अन्न रखते हैं उसे कहते हैं ग्रैनरी, जिसे हम धान्यागार या अन्न भंडार कहते हैं। अगला वर्ड है क्रैश। क्रैश क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट वेयर चिल्ड्रंस आर कैड, सेकंड वेयर ओल्ड पीपल आर कैड, थर्ड वेयर बीस आर कैड, फोर्थ वेयर बर्ड्स आर कैड। तो हमारा आंसर है वेयर चिल्ड्रंस आर कैड। इसे हम पालना घर भी कहते हैं। अ नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर कैड फॉर ड्यूरिंग द वर्क डे, दैट इज कॉल्ड क्रैश। अगला वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होते हैं? तो वो है फिट टू ड्रिंक। जो पीने योग्य चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं पोर्टेबल। कोई भी लिक्विड चीज़ हो जिसे पिया जाता है तो उसे कहते हैं पोर्टेबल। याद रखिए, ये पोर्टेबल है। और एक होता है पोर्टेबल, पी ओ आर टी ए बी एल ई, दैट इज़ पोर्टेबल, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, तो उस चीज़ों को हम कहते हैं पोर्टेबल। और ये है पोर्टेबल, पीने योग्य चीज़ें। अगला वर्ड है वीनियल। ये क्या होता है? तो अ फॉल्ट दैट इज़ फॉर गिवन, एक ऐसी गलती जिसे माफ़ किया जा सकता है, या एक गलती जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। तो वीनियल का अर्थ होता है क्षम्य,
मतलब जो गलती माफ की जा सकती है उसको हम कहते हैं वीनियल। ओके फ्रेंड, तो लास्ट है अ मर्डर ऑफ वंस फादर। जो अपने पिता की हत्या करता है वो क्या कहलाता है? तो वो है पैट्रिसाइड। जैसे जो खुद की हत्या करता है वो सुसाइड कहलाता है, वैसे ही अलग अलग जो हत्याएं हैं उनका अलग अलग नाम रखा गया है। साइड मतलब होता है किल, टू किल। तो जहाँ जहाँ साइड आएगा उसका अर्थ होता है किल करना या मारना या हत्या करना। तो जिसने अपने पिता की हत्या की है वह हत्या कहलाती है पैट्रिसाइड। माता का हत्या कहलाता है मातृहत्या या मैट्रिसाइड। पेरेंट्स की हत्या कहलाता है पेरेंटिसाइड, फिलिसाइड। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हत्या करता है वो कहलाता है फिलिसाइड। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है जो मानव जाति की हत्या करता है वो कहलाता है होमिसाइड। फ्रेटरीसाइड, साइट मतलब होता है किल करना, और फैटरिज्म, ये वर्ड आपने सुना होगा, भाईचारा। तो जो अपने भाई की हत्या करता है वो कहलाता है फैटरिसाइट। नेक्स्ट है सोररीसाइट, मतलब भगिनी हत्या, अपनी बहन की हत्या, वह हत्या कहलाता है सोररीसाइट। नेक्स्ट है सुसाइट, खुद आत्महत्या कर लेना, ये सुसाइट कहलाता है। यूक्सोरीसाइट मतलब वाइफ की हत्या कहलाता है यूक्सोरीसाइट, और हस्बैंड की हत्या कहलाता है वीरीसाइट या मैरिटीसाइट। फ्रेंड्स, ये है मैट्रीसाइट मतलब मातृहत्या, ये है मैरिटीसाइट। नेक्स्ट है गाइनीसाइट मतलब स्त्रियों की हत्या, वो कहलाता है गाइनीसाइट। नेक्स्ट है सैनीसाइट, बूढ़े लोगों की हत्या करना कहलाता है सैनीसाइट। किलिंग ऑफ ओल्ड मैन कहलाता है सैनीसाइट। नेक्स्ट है रेजिसाइट, राजा की हत्या क्या कहलाएगा? रेजिसाइड या राजहत्या। फ्रेंड, साइट से रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन हमने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो वर्ड लिए हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।